खबर शामिल करते हैं। मेहर से रिपोर्टर अब्दुल रहमान कुमरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर की कासिम कॉलोनी के बासियों मर्द खवातीन और बच्चों की जानब से घर से हुई चोरी और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नजर चांडी सगीर हाजी पावर करीम मलानो रुखसाना मलानो फरजाना सोलंगी ने बासर मंजूर और दीगर की जानब से घर से हुई चोरी और मेहर पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब मेहर में एहतजाज किया। इस मौके पर मस्मात रुखसाना ने बातें करते हुए कहा कि हम घर से बाहर रिश्तेदारों के पास घूमने गए थे, जैसे ही घर वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर में पड़े 1,00,000 मालियत सोने के जेवरात और दीगर सामान चोरी किया गया था, जबकि पड़ोस वालों ने चोर को पहचान लिया। वो मंजीर गांचो और दीगर नामालूम चोर थे। उन्होंने कहा कि हम पास किताब उठाकर पुलिस के पास पहुँचे के बाद से बंदूक हमारे घर से असले के जोर पर चोरी कर गया है और हमारे बेटे से असले के जोर पर सीधी मोटरसाइकिल लूट गई है, मगर पुलिस ने हमारी एंट्री दर्ज नहीं की, मगर पुलिस ने हमें कहा कि आप ड्रामा कर रहे हैं और मंजूर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, जबकि पड़ोस वालों ने मजीद कहा कि मंजूर मेरे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस से मारपीट कराई। किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा उन्होंने आईजी सिंह डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी दादू से पुरजोर मुतालबा किया है कि हम गरीब मजदूर लोग हैं।